चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं 6, तो इसके 6 पार्ट्स में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो सब के सब एक ही मेथड से होंगे। इसमें से ये 3 क्वेश्चंस पहले 4 बल्कि एक जैसे हैं और 5th और 6 एक जैसा है, तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको करके देता हूँ, कोई सा भी एक देखिए। 2ABC पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं, फर्स्ट पार्ट। 2ABC माइनस 4ABX प्लस 2ABD, ये बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को, इनमें से आपको कॉमन डिजिट्स लेने हैं, सिर्फ कॉमन। अब देखो यहाँ पे 2ABC, यहाँ पे 2ABX, यहाँ पे 2ABD है, तो दैट मीन के ये 2, ये 4 और 2 में से 2 कॉमन है, AB और AB में से AB कॉमन है, तो दैट मीन अब बच कितना गया। जो अब देखिए, जो आपने कॉमन ले लिया वो आपने यहां दोबारा नहीं लिखना ब्रैकेट के साथ, यहां पे सिर्फ C बच गया, ये C लिख देंगे, माइनस ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा, तो बाकी सिर्फ कितना बचेगा 2 2 2 4, यानी और AB क्योंकि कॉमन ले चुके हो आप, इसमें सिर्फ X लिखोगे, प्लस 2 कॉमन आ चुका हुआ है, AB भी कॉमन आ चुका है, और इसलिए D आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट आंसर। ये इतना सा बस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में आते हैं। इसके साथ अब दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने लगा हूं, ये लास्ट वाला 6 पार्ट जो है, ये इसका आंसर है। सेकंड में 2xy3x2+5+8xy2 और साथ में x2 x2+5 है। अब इसमें हमारे पास, इसमें से भी आप देखिए 4 वैल्यूज है लेकिन ब्रैकेट में कुछ है, तो अब इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिजिट देखिए क्या है, कॉमन क्या है सारों में, ब्रैकेट्स में देखिए x2+5 x2+5, तो ये कॉमन आ जाएगा x2+5, और बच कितना गया है यहां पर 2xy3+8xy2, ये हमारा कॉमन आ गया। अब क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है, दोनों में से बाकी बचा ये इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, प्लस 5 यहां पे आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे ले लें, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, यहां डॉट लगा लें, दैट मीन मल्टीप्लाई, एक्स कॉमन ले लें, वाई की पावर यहां 2 है यहां 3 है, तो वाई 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा इसमें बाकी जो बचेगा y+4 और साथ में y2 कॉमन ले चुके हुए y+4 आ जाएगा। ओके, 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी फैक्टराइज का क्वेश्चन है, जैसे इसके साथ हमने पहले किया था, पहला क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब 2 वाला। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, आपने सॉल्व करते हुए जब आपने सॉल्व करना है तो 5ax-3ay -5bx+3by, आपने दो दो वैल्यूज को इकट्ठा करना है, इनमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों में देखो कॉमन कुछ है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, जैसे a और ये a है, 5 और 3 क्योंकि कॉमन नहीं हो सकते, a खाली कॉमन है, बाकी क्या बच गया 5x और साथ में 3y, ये हमारे पास वैल्यू बच गई। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए माइनस का साइन, यहां पर माइनस का साइन है, यहां कॉमन आ जाएगा हमारे पास b, तो यहां बचेगा 5x, ये वाला 5x बच गया, ये साइन क्योंकि यहां बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और यहां पर 3y, लुक ये अगेन ये दोनों ब्रैकेट्स के इनसाइड वैल्यूज कॉमन है, सेम है, इसलिए ये कॉमन आ जाएंगे 5x-3y और a-b, सो ये इसका आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 3, अभी 2 किया है साथ में, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a² / b² - 2 + b² / 2। अच्छा ये भी फैक्टराइज है, बट इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या होगा, लुक a² / b² इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a/b, a/b का स्क्वायर हो गया, ये b/a का स्क्वायर है, b/a² हो गया। अब माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू a/b इंटू b/a, ये हमारे पास एक हमने कंप्लीट फार्मूला, इसका स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, लुक a/b का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इट्स अ फार्मूला ऑफ ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन गया. सो दिस विल बी इन अ स्क्वायर फॉर्म, सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, अच्छा ये स्क्वायर का फार्मूले में एक्चुअली यहाँ पे टू है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यूज कहाँ गए, ये ए ए से कैंसिल, बी बी से कैंसिल हो गया, इसलिए माइनस टू ही बचेगा. लेकिन ये परफेक्ट फार्मूले में हमारे पास ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर आएगा. सो ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अब इसको आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको इसकी क्लासेस में मेरे क्लासेस में मैं आपको सिखाता रहूंगा इसके चैप्टर के साथ. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी करें और दूसरों को भी बताएं क्लास 9th की क्लासेस के लिए.